बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए जी, मैंने सोचा आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार मीठा। आज मैं बना रही हूँ खीर। दूध मैंने हल्की आंच पर रख दिया है पकने के लिए, और चावल मैंने यहाँ पर आधी प्याली भिगो दी है चावल की, ठीक है। और यहाँ बन रहे हैं मेरे कोफ्ते। चलिए फिर मैं आपको बाकी का प्रोसेस बताती हूँ। पर आ चुका है, ठीक है। और अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे। अब इसमें चावल ऐड करते हैं। चलें जी, चावल ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर। इसको अच्छी तरह हम चलाते हैं। बाकी के जो चावल रह गए हैं डिश में लगे हुए, वो भी साफ करके मैं इसमें डालती हूँ। चलें जी, चावल डाल दिए हैं मैंने। इसकी बिल्कुल हल्की आंच कर दी है। अब ये हल्की आंच पे पकती रहेगी ऐसा ऐसा। और इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा और ऐड करूँगी। चलें, बाकी इसको हम अच्छी तरह चला देंगे और हल्की आँच पर छोड़ देंगे। ये हल्की आंच पे पकती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है जी। खीर को पकते हुए देखें, काफ़ी टाइम हो चुका और ये अब गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा, ठीक है। चलें जी, चीनी ऐड कर दी है। अब थोड़े से इसमें मैं डालूंगी बादाम जो मैंने छील के रखे हुए थे। बादाम ऐड कर दिए इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल कटिंग करके रखा है, इसको अच्छी तरह चलाएंगे। अब चीनी को हम कम से कम 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। चीनी ऐड कर चुकी हूँ। मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा आप, जितना आपको पसंद है, ठीक है। अब 10 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। चलें जी, खीर हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश में निकालते हैं, ठीक है। और बाकी मैं आपको बाकी का प्रोसेस बताती हूँ जी। मज़ेदार खीर तैयार हो गई है, हमने डिश में निकाल के इसमें गार्निश में बादाम और पिस्ता और ना पिसावा नारियल डाला है और चांदी का बर्फ लगा दिया। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह पाक आपके घरों में खैर आफियत रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।